तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नेक्स्ट नौकरी में। तो चलिए बात करते हैं आज की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 1913 वैकेंसी जो है निकली हुई है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, और पोस्ट डेट इसकी 23/6/2023 है, और लेटेस्ट अपडेट जो इसकी जारी हुई है वो 26/6/2023 बताई गई। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन जो फीस है वो भी देख सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 जो है वो फीस है, और जो हमारी ओबीसी एससी कास्ट वाले हैं उनके लिए 400 फीस है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो उनके लिए भी 400 फीस है। इसके बाद आप इंपोर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो इंपोर्टेंट डेट जो है स्टार्टिंग डेट इसकी जो अप्लाई करने की है फॉर्म, वो है 26 जून 2023 से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 25 जुलाई 2023। एज लिमिट भी आप इसके साथ ही देख सकते हैं कि मिनिमम एज इसमें जो दी गई है वो है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज भी इसमें साथ साथ दिया गया है कि 40 ईयर्स से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स शुड पोसेस मास्टर डिग्री विद मिनिमम जो आपकी 55% होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं, सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं। उसके साथ ही आपको आगे देखने के लिए वैकेंसी जो पोस्ट जो है जितनी जैसे केमिस्ट्री है इसमें 81 जो हमारी पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ वैकेंसी के साथ साथ पोस्ट भी देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री ली हुई है। उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं कि आपके सामने दिया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन 26/6/2023 क्लिक है, और उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके इसको घर बैठे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि आपको मास्टर डिग्री का फायदा हो, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपकी कहीं जॉब वगैरह जो है पोस्ट वैकेंसी में निकल आए। तो जल्दी से जल्दी जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि